तो बीजेपी विधायकों का और बागी विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में लग चुका है और ऐसे में क्या कुछ आसार आगे बनेंगे, क्या कदम हो सकते हैं बीजेपी को, इसको लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल डब्बास ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से। अजय भट्ट जी हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अब सरकार अल्पमत में आ गई है तो क्या रास्ता अपनाया जाएगा, दोबारा सरकार बनाने का प्रयास होगा या विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव में बीजेपी जाना चाहते हैं? पहले तो अब जो असंवैधानिक सरकार है, गद्दी पर गलत तरीके से बैठे हैं, उनको या तो रिजाइन दे देना चाहिए और या फिर सीधे सीधे राष्ट्रपति महोदय उनको बर्खास्त करेंगे, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। जब बर्खास्तगी होगी इस सरकार की, उसके बाद हम सोचेंगे क्या होना है। पहले तो ये काम है कि तुरंत, क्योंकि वो अपना बहुमत खो चुकी हैं, 67 लोगों का सदन आज था, 3 लोग हमारे जो थे वो बाहर थे, सदन में उपस्थित नहीं थे, 68 लोग बचे, और एक माननीय अध्यक्ष विधानसभा वोट नहीं कास्ट करे, वो नहीं करते हैं, तो इसलिए 67 लोगों का सदन हुआ, उसमें से 35 लोग हमारे पास यहां पर आए हैं, 26 लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 9 हमारे पास कांग्रेस के विधायक यहां पर आ गए हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि 13 विधायक ऐसे हैं जो विरोध में हैं सीएम के, तो आपको लगता है कि 9 से ज्यादा भी संख्या बल हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है, और अभी हमारे एक विधायक जेल में बंद कर दिया आज सुबह जानबूझ के, कहीं वोट कास्ट न कर पाए, तो इसलिए हमारे पास तो 36 का बहुमत वैसे ही हो गया है। इसलिए जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, मेरी समझ में नहीं आ रहा उनके पास बहुमत। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अमित शाह के साथ, क्या सब लोगों की बैठक होगी, जो 35 लोग यहां पे पहुंचे हैं, विधायक पहुंचे हैं, उनके सबकी कोई बैठक की रूपरेखा होगी कि निर्णय किया जाए कि पार्टी आगे क्या चाहती है, राष्ट्रपति शासन हो या फिर मुख्यमंत्री का नाम दिया जाए? ये केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। कल से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी प्रारंभ हो रही है, हम लोग उसमें भी भाग लेंगे। ये पूरी तरह से हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा है कि वो जैसा आदेश देंगे हम वैसा करेंगे। तो क्या जो कांग्रेस के बागी विधायक आए हैं उन्हें भी न्योता दिया जाएगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो आ सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से व्हिप का उल्लंघन किया तो कांग्रेस की पार्टी में तो नहीं रहे? नहीं, अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो जो सदस्य होते हैं वही जाते हैं, तो हमारे 3-4 सदस्य होंगे इसमें से, वही जाएंगे, शेष लोग हमारे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसका एक पहले से ही डेकोरम होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम जा ही नहीं पाएंगे। अगला मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के 9 लोग निकले उनमें से बन सकता है या बीजेपी से बन सकता है या राष्ट्रपति शासन, क्या आपको लगता है निजी तौर पर? ये तो भविष्य बताएगा, अभी तो हम बैठे नहीं है अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ, ये भविष्य बताएगा जो भी बनेगा। समाचार प्लस का वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। चलिए अजय भट्ट जी की माने तो भविष्य बताएगा कि राष्ट्रपति शासन हो, विधानसभा को भंग किया जाए या फिर मुख्यमंत्री के नाम के साथ सभी विधायक राज्यपाल के पास पहुंचे, राष्ट्रपति के पास पहुंचे, इससे पहले अमित शाह के साथ बैठक होगी और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। आईजे एयरपोर्ट से कैमरामैन अजय शर्मा के साथ राहुल डब्बास, समाचार प्लस के लिए।